अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी कैसे बनती है। उसके लिए मैंने 1.5 किलो गोभी यूज़ की है। इसे मैंने काट के अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया है। 3 बड़े साइज़ के आलू यूज़ किए हैं यहाँ पे मैंने। ये देखें, इन्हें इस साइज़ में मैंने काटा है। इसके लिए जो मुझे मसाले चाहिए हैं, उसमें 1 प्याज मैंने कट कर ली है, और इसके अलावा 2 टमाटर, 8 ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, 1/2 जिंजर, अदरक बारीक कटा हुआ, फुल टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, पीसी हुई हल्दी, फुल टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च एंड फुल टेबल स्पून सॉल्ट, नमक। 3 कुकिंग ऑयल के मैंने बड़े चम्मच इसमें डाले हैं। तेज़ आंच मैंने इसको रख दिया है। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कटी हुई प्याज डाल दूँगी और इसे भून लूँगी। प्याज ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें 1/2 कप पानी भी डालूंगी। इसे अच्छी तरह हिला के मैं ऐसा ढक्कन लगा दूंगी हल्की आंच पे। तकरीबन 5 मिनट में मैंने मसाला तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें आलू को भी डाल दूंगी। साथ ही मैं इसके आलू भी डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह हिला के हिलाने के बाद मैंने इसको अब ढक्के रख दिया है तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। ये देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। अब मैं इसका प्रेशर लगा दूंगी। तेज़ आंच पे मैंने ये इसकी सीटी लगा दी है, प्रेशर लगा दिया है। 10 मिनट बाद मैं चूल्हा बंद कर दिया। मैंने इसकी सीटी उतार दी है। मैंने इसकी सीटी उतारी थी, अब मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। ढक्कन खोलने के बाद ये बन के तैयार हो गई है आलू गोभी की सब्ज़ी। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूंगी। मज़ेदार आलू गोभी की सब्ज़ी बन के तैयार है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे मुझे इसे बनाने में। आज जिस तरीके से मैंने आपको इस सब्ज़ी का तरीका बताया, आप वो ट्राई करें। मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।